हाजी ने घटना को साजिश बताया, असामाजिक तत्वों को ठहराया जिम्मेदार, सीएम से घटना की जांच की मांग भी की है। तो कोतवाली कांड के आरोपी हाजी शहजाद ने अपना बयान जारी किया, घर तोड़े जाने को लेकर खुद को बेकसूर भी बताया। हाजी बोला कि उसने सबको रोकने की बहुत कोशिश की, पुलिस पर पहले लाठी चार्ज करने के आरोप भी लगाए गए हैं हाजी के द्वारा। तो पथराव कांड हुआ छतरपुर में और उसके बाद कल आपने देखा कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, एक्शन लिया गया बंगले पर, कोठी पर, और उसके बाद अब सफाई पेश की जा रही है हाजी के द्वारा। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई, इनने लाठीचार्ज किया, तो किसी असामाजिक तत्व द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं, तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, आरोपी के कोठी पर बुलडोजर चला, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब आरोपी शहजाद हाजी का बयान आया है, वीडियो जारी किया है उसने, और कह रहा है कि इसमें हमारी संलिप्तता नहीं थी, आप जांच करिए और लोग आएंगे सामने। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र के पास भी हम जाएंगे। नरेंद्र, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, चूंकि बयान जारी किया गया है मुख्य आरोपी के द्वारा, जिसके घर बुलडोजर भी चला, अब बयान जब जारी किया गया है तो क्या कहना है प्रशासन का, अभी क्या स्थिति है बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोतवाली कांड के जो मुख्य आरोपी है, शहजाद हाजी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया है। हाजी ने इसका कहना है कि उन्होंने सबको रोकने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों पर किया है। लेकिन शहजाद हाजी ने इसी वीडियो में यह भी बात कही है कि किसी भी कोई असामाजिक तत्व जो भीड़ में रहे हैं, जिनके द्वारा पत्थरबाजी की इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनका यह भी कहना है कि पत्थर और चप्पलें लगातार फेंकी जा रही थी और छतरपुर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिसके कारण जो असामाजिक तत्व भीड़ में आए थे उनके द्वारा यह पहली बार छतरपुर शहर में इस तरह का माहौल बनाया गया है, जो उपद्रवियों द्वारा जो हालात यहाँ पर निर्मित किया गया है, जिस पर पूरी सफाई जो घटना के मुख्य आरोपी हैं शहजाद हाजी, इनके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की भी कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए की कीमत की जो कोठी है उसको धराशायी कर दिया है, जमीन दोज कर दिया है। उन्होंने शासन प्रशासन तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है, एक वीडियो जारी करके, और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से लोगों वहां पर भीड़ जमा हुई और फिर भीड़ बेकाबू होती रही, पुलिस ने करीब एक घंटे इंतजार कराया था, जिसके बाद इस तरह के हालात वहां पर निर्मित हुए थे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर का ही जिक्र करते हैं, यहाँ पर शांति पूर्वक जुम्मे की नमाज अदा की गई, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज पढ़ी गई और इलाके में शांति बनी हुई है, पुलिस प्रशासन ने भारी बल तैनात किया हुआ था और ड्रोन से निगरानी भी की गई। एसपी अगम जैन की माने तो इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और नमाज भी पढ़ी गई।
छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है। कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि पथराव करने वालों का घर गिराना कहां का न्याय है। पुलिस को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। थाने पर पथराव हुआ था तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का मकान गिरा देना किसी कानून में नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा थाने पर जो पथराव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अपराधियों में कानून का भय होना जरूरी है। कांग्रेस के ऐसे लोग ऐसे ही लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसे उपद्रवियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। पत्थरबाजी की हो या कानून को हाथ में लिया हो तो उसके मकान ढा दें, उसकी प्रक्रिया है। उनको उनका केस चले, FIR हो, जेल भेजा जाए और फिर कोर्ट में से मामले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेके सभी जगह जो एक शुरू हुआ है, खासतौर से मॉनिटरी वर्क के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को आगे आना चाहिए। सरकार की मनमानी पर कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीति की वजह से ही पार्टी का प्रदेश में ये हाल है। गिरफ्तारी करती हम सहयोग करते, पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। भोपाल का जिक्र करेंगे, वीडी शर्मा का आरिफ मसूद पर वार भी सामने आया। कानून धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं करेगा, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। यहां धर्म जाति क्षेत्र देखकर कार्रवाई नहीं होती। इमरान आरिफ भी कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी, दबाव में काम नहीं होगा और बड़ी कार्रवाई होगी। कानून कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ही वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक काम कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी राजनीति के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का काम प्रदेश में शांति फैसला है। सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। की महत्ता उनने 5,000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया,
तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा।